एक बार आप लोग ये सोच के देखें कि जब स्प्लेंडर प्लस सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है सेल्स रिपोर्ट के आधार पर, तो अगर स्प्लेंडर प्लस में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया, डिजिटल मीटर आ गया, गियर पोजीशन इंडिकेटर आ गया, ये माइलेज बताने लगी, एलईडी लाइट हो गई, तो ये कितनी बेहतर बाइक हो जाएगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने CT 100 110 cc की वीडियो डाली थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो उससे अब ये कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा मुझे क्यों लगा, क्योंकि जब CT 100 भी 110 cc की बाइक बन गई और आप देख रहे हैं कि आए दिन इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, तो मुझे लगता है, मैंने एक कल्पना की कि अगर स्प्लेंडर प्लस में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ये सारी चीज़ें लग जाती हैं तो स्प्लेंडर प्लस वैसे भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है और ये आपको लगभग 60 से 70 तक की माइलेज दे सकती है। लेकिन अगर इसमें फ्यूल इंजेक्शन लग गया तो ये बाइक आपको लगभग 70, 80 या 90 तक की माइलेज दे सकती है और ये माइलेज बताएगी भी फुली। इसके अंदर डिजिटल मीटर लग सकता है, एलईडी लाइट लग सकती है, तो कुल मिला के ये बाइक और बेहतर हो सकती है। तो जो मैंने सोचा, मुझे नहीं लगता कि मेरा ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे पैशन प्रो भी 110 सीसी हो गई, एक्स प्रो 110 सीसी हो गई, CT 100 भी 110 सीसी हो गई है, तो इसी प्रकार से आगे चलकर हो सकता है स्प्लेंडर प्लस भी 110 सीसी बन जाए, और या फिर 100 सीसी की जो बाइकें रहेंगी, क्योंकि 2024 तक या 25 तक लगभग 100 सीसी के जो भी बाइक या स्कूटर हैं वो बन जाएंगे इलेक्ट्रिक। अब इसका कारण ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा 100 सीसी की बाइकें ही बिकती हैं, और जैसे कि 110 सीसी भी बिकती हैं, स्कूटर भी बिकते हैं, तो इन पर लोगों का ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए सरकार इनको कर देगी इलेक्ट्रिक, क्योंकि प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है भारत में। तो हो सकता है कि स्प्लेंडर प्लस या और भी जो बाइकें हैं 100 सीसी की वो बन जाएंगी इलेक्ट्रिक बाइक, और उसके बाद इनके ऊपर जो आएंगी वो 110 सीसी की आएंगी। 150 सीसी के ऊपर की जो बाइकें रहेंगी उनको आप पेट्रोल वर्जन में खरीद सकते हैं, बाकी नीचे की जो बाइकें रहेंगी वो इलेक्ट्रिक बाइक बन जाएंगी। लेकिन स्प्लेंडर इनकी बहुत ज़्यादा बिकने वाली बाइक है, इसलिए हो सकता है इसमें जो पैशन प्रो या एक्स प्रो का जो इंजन है इसमें लगा के इसको 110 सीसी बनाया जाए। मॉडल हो सकता है सेम रहे, लेकिन जो मैंने सोचा कि अगर स्प्लेंडर प्लस में फ्यूल इंजेक्शन या इस प्रकार के सिस्टम लग जाएंगे तो ये बाइक और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आपको ये लगता है कि स्प्लेंडर प्लस में किसी दिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, डिजिटल मीटर, एलईडी लाइट या इस प्रकार से और ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है, आपके पास कोई न्यूज़ है तो आप लोग ज़रूर बताएं। मुझे जो न्यूज़ थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 सीसी की जो भी बाइकें हैं वो बन जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक, और उसके बाद की बाइक जो होंगी उसके ऊपर की जो बाइकें हैं वो आएंगी पेट्रोल मॉडल में। तो अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया, तो जो मैंने CT 100 की वीडियो में बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अब स्प्लेंडर प्लस भी हो सकता है 110 सीसी बन जाए, और इसमें भी या फिर अगर 100 सीसी में आप कल्पना कर सकते हैं जो मैंने अब बताया हुआ है तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में लगभग इलेक्ट्रिक बाइकें सभी बन जाएंगी। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको जो इस वीडियो में जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।